हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अकेडमी चैनल नीट यूजी इन कैनवेस चैनल। की खासियत यह है कि विद इन 10 मिनट्स में मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, इवन न्यूमेरिकल बता के आपको टॉपिक समझाऊंगा। सो आपको सीखने और रिवीजन करने में आपको बहुत कम टाइम देना पड़ेगा। मेरे बारे में बच्चों, मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया, अब मैं अनअकैडमी फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। बच्चों, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी है, तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है आपको, जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ देखते हैं, एक तो डेली लाइव क्लासेस होती है, आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि लाइव क्लासेस में आप डाउट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस है, अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब आपको 12 या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आप लेंगे तो आप कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। रिकॉर्डेड रहेगी वीडियो आप, और जितने भी टीचर्स, मान लीजिए फिजिक्स के 20 टीचर्स हैं, तो आप 20 को का लाइव क्लासेस आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं बच्चों चार्जेस, तो एक मंथ का चार्ज यहाँ देखिएगा, एक मंथ का चार्ज है बच्चों कितना है, 5400 है ना। 3 मंथ का पर मंथ है 4500, यहाँ 6 मंथ का पर मंथ 6300, 12 का 2250, 24 का 1350। तो यहाँ देखिएगा 1 और 3 मंथ बहुत ज़्यादा कॉस्टली, ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। आपके लिए 12 और 24 मंथ्स लीजिए, और जो 10% का डिस्काउंट है बच्चों, वो आदित्य मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए, अब वो 10% का डिस्काउंट मिलेगा किसी भी तरह के कोर्स, आप दूसरे को भी सजेस्ट करें। अब देखते हैं, मैंने पिछली बार यंग्स मॉडल्स के क्वेश्चन करवाए थे, इसके प्रीवियस वीडियो आप जरूर जाके देखें, थर्मल आप जो प्रॉपर्टी सॉलिड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हम देख रहे हैं, तो यंग्स मॉडल्स के कुछ क्वेश्चन करवाए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट करते हैं, फिर हम बल्क मॉडल्स में आगे बढ़ेंगे। बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स में पूछा गया इस तरह के कंसेप्ट में। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस किए हैं ए और बी सेक्शन में, ठीक है, इसको देखते ध्यान से पढ़िएगा। ए लाइट रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग हॉरिजॉन्टली बाय मींस ऑफ 2 वर्टिकल वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ इक्वल है, ठीक है। वन ऑफ द वायर्स इज मेड ऑफ स्टील एंड क्रॉस सेक्शन इतना है पहले का A1, चलिए लिख देते हैं A1 कितना है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। A2 कितना है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। गामा बी से ब्रास ले रहा हूँ, ठीक है, 10 × 10^11 एंड गामा स्टील है बच्चों कितना 20 × 10^11, ये सब गिवन है डाटा है, ठीक है। आपसे पूछा है अलोंग द मेड ऑफ स्टील इज ऑफ व्हाट, along the rod at which distance may a weight be hung to produce equal stresses in both the, आपको यहाँ पूछ रहा है ये डिस्टेंस कितना होगा ताकि इक्वल स्ट्रेसेस होगा। तो पहले मान के चलते इक्वल स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस बताइए पहले काम लिखेंगे फोर्स बाई एरिया, स्ट्रेस फोर्स बाई एरिया A1, उसी तरह दूसरे का भी क्या लिखेंगे E2 by A2, ये स्ट्रेस हो गया। तो ये दोनों इक्वल है, इक्वल हम मान के चल रहे हैं, तो लेंथ निकाल लेंगे, तो चलिए इक्वेट कीजिए, तो T1 A1 इक्वल टू कितना T2 A2। चलिए यहाँ रिलेशन बताइए, T1 A1 की जगह क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है आपका 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। T2 कितना है, A2 है कितना आपका 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका 0.2, चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं इसको चेंज कीजिए तो 2 आ गया। इसका मतलब 2T1 = T2, ये टेंशन इन वायर का रिलेशन है, हम इसको यूज करेंगे, आगे चलते हैं। चलिए अच्छा बताइए बच्चों, ये लीनियर वेट बैलेंस है, तो T1 + T2 = हम क्या लिखेंगे, W लिखेंगे ना, T1 T2 W, तो बताइए T1 T2 के बीच रिलेशन क्या है। अब देखिए यहाँ पे T1 T2 के बीच रिलेशन आया 2T1 = तो T1 + T2 T1 = W, इसका मतलब T1 = क्या आ गया, W/3 आ गया कि नहीं। उसी तरह T2 कितना आ जाएगा, T2 बताइए जल्दी से, T2 आ जाएगा आपका, चलिए यहाँ लिख देते हैं T1 आ गया W/3, तो T2 कितना आ जाएगा बताइए, T2 आ जाएगा आपको, T1 W/3 है तो आप रख देंगे हम T2 2W/3, ये रिलेशन आया, ठीक है। अब चलते हैं आगे चलते हैं लेंथ, चलिए हम टॉर्क बैलेंस करें, यह फोर्स हो गया इसका लेंथ, इस ये टॉर्क, इसका टॉर्क बैलेंस हो जाएगा, वेट यहाँ पे है रुका हुआ है ना, तो बताइए T1 हम लिखेंगे, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, टॉर्क बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, याद कीजिए रोटेशन नहीं पढ़ा है तो जल्दी से वीडियो देखिए। T1 x = T2 × क्या लिखेंगे बच्चों, इसका लेंथ पूरे का कितना 2 मीटर, 2 - x हो जाएगा ना,
टू माइनस एक्स, चलिए इसको इक्वेट कीजिए तो टी वन की जगह क्या रख दें आप, टी वन की जगह रख दीजिए, रख भी सकते हैं टी वन की जगह रख दें, हाँ टी वन की जगह टी टू बाई टू रख दीजिए, टी टू बाई टी वन की जगह टी टू बाई टू एक्स, और टी टू टू माइनस एक्स, टू टू कैंसिल हो गया तो एक्स बाई टू इक्वल टू कितना, टू माइनस एक्स, चलिए इसको कीजिए सॉल्व, एक्स बाई टू प्लस एक्स इक्वल टू टू, तो ये हो गया थ्री एक्स बाई टू इक्वल टू टू, तो यहाँ से हो गया थ्री एक्स इक्वल टू फोर, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, हाँ एक्स इक्वल टू फोर बाई थ्री, एक्स इक्वल टू फोर बाई थ्री, ठीक है ये आंसर हो गया, आंसर चेक कर लेते हैं, चलिए ठीक है। ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा उसमें, दो दो क्वेश्चन है, मैंने मिक्स कंसेप्ट दिया है एक, अब बोला है कि इक्वल स्ट्रेंस हो जाए, स्ट्रेन इक्वल हो जाए तो क्या होगा, ठीक है चलिए तो बताइए तो स्ट्रेन का, स्ट्रेन का क्या करेंगे, स्ट्रेन पहले के केस में लेंगे क्या, चेंज इन लेंथ बाई इनिशियल लेंथ, है ना पहले केस में क्या लेंगे, चेंज इन लेंथ बाई इनिशियल लेंथ, ठीक है दूसरा स्ट्रेन लेंगे इसका भी क्या, चेंज इन लेंथ बाई इनिशियल लेंथ, ये डैश मान लीजिए, चलिए इनिशियल लेंथ दोनों का इक्वल है, ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन में पढ़िए, और लेंथ 2 सेंटीमीटर सस्पेंडेड फ्रॉम द राइट ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय मींस ऑफ टू वर्टिकल वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, है ना टू इट्स एंड्स वन ऑफ द वायर इज मेड ऑफ अ स्पिल, चलिए ठीक है तो इसको आगे बढ़ते हैं जल्दी से, तो ये स्ट्रेन इक्वल है बच्चों, तो स्ट्रेन इक्वल कीजिए, स्ट्रेन इक्वल करेंगे तो बताइए हम क्या लिखें, टी वन हमको पता है, बताइए डेल एल डैश बाई एल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताइए जल्दी से, ये हो जाएगा आपका, हमें पता है कि गामा इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया डेल एल बाई एल, तो बताइए डेल एल बाई एल को इधर ले आइए, डेल एल बाई एल क्या हो जाएगा एफ ए गामा, चलिए इसी को हम यहाँ लिख रहे हैं, तो डेल एल बाई एल डैश को क्या टेंशन टी वन लिख देते हैं, एरिया ए टी वन और ये गामा वन, उसी तरह इसका भी लिख देंगे, इसका क्या लिख देंगे टी टू ए टू और गामा टू, दोनों को इक्वेट करते हैं, चलिए टी वन ए वन गामा वन इक्वल टू टी टू ए टू गामा टू, इक्वेट कीजिए जल्दी से, तो ए वन ए टू, ए वन ए टू कितना है 0.1 है एक का, टी वन आ गया ये 0.1 इंटू गामा वन कितना है बच्चों, जल्दी से जल्दी से जल्दी जल्दी से, गामा वन 10 × 10^11 ठीक है ना, गामा स्टील, स्टील का देखिए ब्रास का दे रखा है इतना, एंड ये स्टील का इधर रखिएगा टी वन, यहाँ देखिए कन्फ्यूज में तो होना है, ये 0.1 है तो यहाँ रखना है, ठीक है चलिए तो यहाँ रखेंगे हम 0.1, ये 2 × 10^11 गामा वन दे रखा है ना, 20 × 10^11 ट्वेंटी इंटू इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे टी टू इक्वल टू ए टू कितना है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको चेंज करने ये 10 × 10^11 कैलकुलेट करते हैं जल्दी से कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन के बाद देखिएगा टी वन इक्वल टू टी टू आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके देखिएगा ये आ जाएगा, ठीक है बताइए तो इसका मतलब बताइए, तो टेंशन इक्वल है तो डिस्टेंस कितना पर करेंगे राइट, आप आंसर बता सकते हैं कि टी वन टी टू फोर्स सेम लग रहा है तो वेट को हम मिड पॉइंट पर रखेंगे, यहाँ टॉर्क से भी निकाल सकते हो आप, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि टॉर्क जो हम जो वायर रखेंगे सर वो कहाँ रखेंगे, ये रॉड है ये आपका है 2 मीटर का, टेंशन इक्वल फोर्स लग रहा है टी वन और टी टू क्या आ गया आपका इक्वल है, बताइए लेंथ कहाँ बैलेंस करने के लिए रखेंगे बच्चों, इक्वल रखेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या 1 मीटर आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो क्या अपना टॉर्क का भी निकाल लेंगे, टॉर्क का क्या निकालेंगे टी वन एक्स टी टू टू माइनस एक्स करके, चलिए ऐसे करके भी ले सकते हैं, टी वन टी टू इक्वल है तो एक्स इक्वल टू क्या 2 − x, भैया 2x इक्वल टू क्या आ गया 2, तो x इक्वल टू क्या आ गया 1 मीटर आंसर आ गया कि नहीं, ये कंसेप्ट है आपका, ठीक है वीडियो को क्या करना है आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, हम आगे देखेंगे कंसेप्ट और जिसके जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है थैंक यू बच्चों।